आप थोड़ा सा बताइए, आपका रूटीन क्या रहता था? क्योंकि बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स, जो जिनको बताया जाता है कि दे कैन गो फॉर यूपीएससी, उनको सकता है कि दे हैव टू लॉक देमसेल्फ इन अ रूम एंड दे हैव टू कट देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड देर इज नो सोशल लाइफ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो वो दे रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोगों का जो लाइफ होता है, जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो किस तरह का होता है, रूटीन क्या होता है? पर्सनली आई वुड से डोंट कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज यूपीएससी इज नॉट बिगर देन योर लाइफ. इंजॉय द प्रोसेस, या बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अपने आप को कट ऑफ तो करना पड़ता है सोशल मीडिया से. तो आई हैड टू मैनेज माई क्लासेस, लाइक जेएनयू क्लासेस विथ माई प्रिपरेशन. तो मेरा रूटीन ये होता था कि एवरी डे आई हैव टू एटलीस्ट गिव 6 to 8 hours ऑफ माई टाइम टू सिविल सर्विस प्रिपरेशन, और उसके ऊपर जो भी है आई ट्राई टू मैनेज विथ माई जे एन यू क्लासेस. तो कभी सुबह उठ के कुछ स्टैटिक रिविजन कर लिया, देन उसके बाद दिन भर में ऑप्शनल पढ़ लिया, देन शाम में थोड़ा सी सैट कॉल कर लिया. इट्स लाइक आई यूज टू डू 2 3 things इन अ डे, नॉट रिवाइजिंग ओनली वन सब्जेक्ट. तो मेरा रूटीन ऐसा ही रहता था. एंड ऑल्सो यूज टू चेंज, जब प्रिलिम्स आ रहा है तो सारा फोकस वॉज ऑन प्रिलिम्स, देन आफ्टर क्लियरिंग प्रिलिम्स इट वॉज ऑल अबाउट मेन्स. तो आंसर राइटिंग हैड टू बी डन इन लाइक अ फेज वाइज मैनर. प्रिलिम्स के पहले इट वॉज नॉट दैट रिगरस, बट ऑब्वियसली आफ्टर क्लियरिंग प्रिलिम्स हर 2 से 3 घंटे राइटिंग करना ही था. एंड इंटरव्यू वॉज समथिंग विच वॉज वेरी इट इज वेरी रैंडम, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन. तो उसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है, एंड देन करंट अफेयर पढ़ना होता है क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम्स में भी हेल्प कर जाता है. एंड देन अपना डैफ जो भी बैकग्राउंड से उसे पढ़ना होता है. तो मेरा रूटीन कि स्कूल स्टूडेंट को उतना मैच नहीं कर पाए भी, क्योंकि मैं क्लासेस कर रही हूँ मास्टर, तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग करना प्लान. मैं सिविल्स को भी नहीं पूरा पढ़ पा रही कि मुझे अपनी डिग्री भी मास्टर्स की करनी थी. तो बट देर वॉज अ लाइक आई प्रायोरिटी कि किसको कितना प्रायोरिटी देना है सो दैट दोनों को बैलेंस कर सकूं. आपने बात की करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को मतलब एक बड़ा उसके नोट्स बनाना एक बड़ा चैलेंजिंग चीज होती है फॉर द एस्पिरेंट्स, दोस हु आर प्रिपेयरिंग. आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उसके लिए, और आपके डाफ से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, या इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? तो कमिंग टू नोट मेकिंग इन करंट अफेयर्स, तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले थोड़े नोट्स बनाए थे, बट आई डिडंट हैव दिस आइडिया कि कैसे बनाओ. देन आई रियलाइज कि इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज मार्केट हैव मंथली मैगजीन्स, तो वन कैन गो थ्रू इट बिफोर द एग्जाम. तो फिर मैंने करंट अफेयर्स के वैसे नोट्स नहीं बनाए, मैंने मेंस के लिए अपने नोट्स बनाए थे, थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव थे, बट मंथली करंट अफेयर्स के मैंने बनाना छोड़ दिए क्योंकि मैं मैगजीन से कवर कर लेती थी. सेकेंडली कमिंग टू इंटरव्यू, सो माई इंटरव्यू वॉज रियली गुड बिकॉज इट रिवॉल्व ऑल अराउंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड पोलिटिकल साइंस एंड जेएनयू. सिंस जेएनयू ऑलवेज इन द न्यूज, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन जेएनयू के. इंटरव्यू बहुत ही ओपिनियन बेस्ड था, इट वॉज मोर ऑफ अ डिस्कशन देन अ क्वेश्चन आंसर सेशन. उन्होंने कुछ फैक्चुअल पूछा था, आई गॉट सत्य विद इज माय आंसर. तो इट वॉज वेरी आई रियली इंटरव्यू प्रोसेस द मोस्ट बिकॉज एंड बहुत सारे ऑप्शनल को भी यूज किया वहाँ, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो दे वर रियली एक्सपेक्टिंग कि मैं कितना एनालाइज कर सकती हूँ. तो क्वेश्चन आईआर पे रहे और मेरे स्टेट पे थोड़े से थे, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पे और नेशनल इश्यूज करंट अफेयर्स पे तो थे, डैफ से और ऐसा कुछ नहीं.